गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, प्लान ए पिकनिक। प्लान ए पिकनिक। पिकनिक आर ए फन, दे आर फैमिली टाइम्स स्पेंड टूगेदर। पिकनिक विथ ए फैमिली एंड फ्रेंड्स आर ऑफ्टन इंजॉय, बट डू यू नो दैट अलॉट एफर्ट इज रिक्वायर्ड इन प्लानिंग ए पिकनिक। लेट्स टू थॉट द वेरियस स्टेप बिफोर वी एक्चुअली प्लान ए पिकनिक। जब हम फन होता है पिकनिक का, जब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अगर अपन घूमना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? पिकनिक पे जाना चाहिए। चूज़ द फूड। जब हम पिकनिक पे जाते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए? अपनी फैमिली के साथ जाना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए और फ्रेंड्स के साथ भी जाना चाहिए। एक वन ईयर में एक बार पिकनिक का प्लान करना चाहिए। चूज़ द फूड। यू हैव द चूज़ द फूड दैट इज़ बहुत ईजी एंड मेक एंड कैरी। यू शुड नॉट बी शुगी और फुल ऑफ ग्रेवी। ड्राई स्टफ विल ए बेटर। यू कैन चूज पूरी, पराठा, सैंडविच, कुकीज, फ्रूट्स, चिप्स, केक, जूस, etc. इंश्योर्स दैट वाटर बॉटल्स आर आल्सो इन द लिस्ट। जब हम पिकनिक का प्लान कराते हैं तो क्या करना चाहिए? चूज़ करना चाहिए फूड को। तो हैवी हो जाएगा ग्रेवी, जो ग्रेवी चीज़ होती वो नहीं लेना चाहिए, ड्राई लेनी चाहिए, कड़वी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, पूरी, पराठे, सैंडविच, ये सब अपन क्या कर सकते हैं, ये लेके जा सकते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल जिससे ढूले नहीं हो, जिससे हमारे कपड़े या कुछ अदर चीज़ें खराब ना हो, ये अपन लेके जा सकते हैं। चूज़ द फूड। चूज़ द प्लेस। यू मे चूज़ ए प्लेस वेयर देयर इज स्पेस ए रिलैक्स। इट मे बी टू नाइस स्कैनिक स्पॉट द एम्प्लॉय स्पेस टू प्ले फॉर द किड्स। इट कुड बी पार्क, बीच एंड मॉल आर ए प्लेस बाय लेक साइड। मतलब जहाँ पे पार्क हो, किड्स खेलने की हो, पार्क हो, बीच हो, मॉल हो, प्लेस है, ऐसी चीज़ें आप ले सकते हो लेक साइड। ये अपने रिलीफ्स, मतलब रिलीफ में वहाँ पे अगर अपन जाए तो अपन को रिलीफ होना चाहिए, ऐसे प्लेस अपन चूज़ कर सकते हैं। अब आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक इतना ही, और जितना करवाया आपको रीड करना है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।